अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की आपकी वजह से माशाल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं। तो आज पापा ला दिया आम, और आम तो अम्मी ने कहा चलो बनाते हैं आज अचार, और अचार बनाएंगे छील करके जो बनता है फाँकी फाँकी कट करके, और उसमें मसाले डालकर बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही टेस्टी चटपटा लगता है। तो फिर हम लोगों ने आम जो कच्चा लाए थे पापा, उसको हमने धोकर डलिया में सुखा लिया था और उसका पानी एकदम सूख गया था। फिर उसके बाद अम्मी इसको छील करके और इसके छोटे छोटे फाँकी इस तरह से बना लिए हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे, बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, सादा नमक डाल दिए हैं, और फिर उसमें देखते हैं क्या क्या डालती है अम्मी। और फिर इसमें हल्दी डालेंगी, हल्दी से बहुत ही बढ़िया कलर आता है। तो हल्दी और नमक डाल करके इसको मिक्स करके इसको एक दिन के लिए छोड़ देंगी, थोड़ा धूप में दिखाएंगी। तो हल्दी और नमक डाल के धूप में दिखा दो, बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आता है एकदम अंदर तक। हल्दी और नमक का अरक इसमें उतर जाता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है, और आम गल भी जाता है जल्दी से हल्दी नमक डालने से, और बहुत ही अच्छा आम बनाती है अम्मी आम का अचार। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है नमक और हल्दी, और इसे अच्छे से इस तरह से थोड़ा सा और मिला देंगे, और डब्बा को ऊपर से कॉटन का कपड़े से इस पर डालकर और रबड़ लगा के धूप में रख देंगी। तो एक दिन के लिए छोड़ देंगी धूप में रख करके। और उसके बाद हम आ गए किचन में, तो शाम हो गई थी, अम्मी गई थी विशाल मेरे हस्बैंड के साथ। तो हमने कहा चलो जल्दी से बर्तन वर्तन धुल के हटा दे रहे हैं, जल्दी से सारा काम कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी, जब तक अम्मी आ रही है। मैं भी उनकी हेल्प कर रही हूँ थोड़ी बहुत। तो आज सब व्लॉग बना रही है मेरा वीडियो शूट कर रही है। देखिए मेरी मम्मी अब धो रही है ना, कितने अच्छे से धोती है वो। तो गगरी को मैं पानी भरने के लिए पहले अच्छे से उसको साफ कर लेंगे जटे से, और फिर उसको धो करके अच्छे से फिर उसमें पानी भर करके रात भर रख देंगे ना, तो सुबह ठंडा ठंडा पानी मिलता है, अच्छा लगता है, सोना सोना ठंडा ठंडा पानी रहता है। तो इधर हम बर्तन भी धुल रहे हैं, और इधर चाय चढ़ा दिया स्लो आंच पे, तो चाय हमारी बन रही है, और धीमी धीमी आंच पे चाय बनती है तो अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इधर हमारी बन गई है चाय, और सारे बर्तन भी धुल गए और हमने चाय बना लिया। अम्मी तो आ गई हैं इनके साथ, चाल वहाँ सिलाई है ये डब्बा। इसको यहाँ सजाएंगे, यहाँ पास सारे सामान इसमें रख लेंगे, यहाँ सही रहेगा। सिमरन The next day. और ये दूसरे दिन का व्लॉग है, तो हम बना रहे हैं चिकन, डेगी चिकन बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हमने कहा चलो आज संडे है, चिकन ही बना ले रहे हैं, तो ये संडे वाले दिन का है व्लॉग। तो हमने चिकन को साफ से धो लिया, फिर इसमें
अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट इसमें डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच, और फिर कुछ सूखे मसाले इसमें डालेंगे। तो गैस हमने ऑन अभी नहीं किया है, सारे मसाले इसमें डाल देंगे तब फिर ऑन करेंगे। तो 3 से 4 छोटे चम्मच हम डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें, हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च आज इसके पास से नहीं था तो हमने नहीं डाला। तो इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे और गरम मसाला 1/2 चम्मच डालेंगे और कुछ खड़े मसाले हमने रेडी किए हैं उसे भी इसमें डाल देंगे, और काली मिर्च है, काली मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच, ये बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इससे। और जो हमने अभी प्याज फ्राई किया था वो हमने वीडियो नहीं बनाया, शूट नहीं किया इसमें, तो उसको हम इसमें डाल देंगे। वही रिफाइंड ऑयल से हमने प्याज क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया था, उसको इसमें इस्तेज से निकाल लिया था, छान लिया था, तो ऑयल बच गया था, तो वही ऑयल इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से बनाएंगे, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही बढ़िया बनता है और एकदम आसान तरीका है ये, कोई ताम झाम नहीं, बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनता है, एकदम डेगी चिकन बनकर रेडी होता है, जैसे शादियों में बनता है, शादियों वाला सालन। तो हमने गैस अब ऑन कर दिया है तेज आंच पे, और इसको सारे मसाले हम चम्मच से मिक्स कर देंगे, अच्छे से चला देंगे। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, तो खड़े मसाले में हमने लिया छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी है, जीरा है, काली मिर्च, लौंग और तेज़पत्ता 2 लिया है, इन सभी को इसमें डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर, इमेजिन एकदम फ्लेवर निकल के उभर के आता है इससे। और जो प्याज हमने फ्राई किया था उसे भी इस तरह से हाथों से क्रश कर लेंगे, क्रश करके इसमें डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और एक बार आप इस तरह से ट्राई करिएगा, यकीन मानिए बहुत ही मज़े का बनता है, और बार बार इसी रेसिपी को आप ट्राई करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे। तो सारे प्याज इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करके ढक्कन से चम्मच से मिक्स कर देंगे, फिर उसके बाद ढक्कन से बंद करके इसको हम 10 से 15 मिनट तक स्लो मीडियम आंच पे, समझ लीजिए कि मीडियम आंच पे हमें इसको अच्छे से कुक होने देना। इसमें हम बिना पानी के बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होता है सालन, सालन भी बन जाएगा और पानी भी नहीं, आप चाहें तो इसमें इसको भूनने के बाद इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें पानी नहीं डाला, बिना पानी के ही बनाया है। और दही हमने 1/2 कटोरी लिया है, इसे अच्छे से इस तरह से फेंट करके डालेंगे, तो इसमें फटाफटा सा नहीं रहता, एकदम स्मूथ पेस्ट बनता है। और ये देखिए दही, इसमें हमने घर की जमी हुई दही है जमाई हुई, और इसको अच्छे से फेंट करके इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। दही से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, आप दही नहीं डालना चाहते हो तो उसकी जगह आप नींबू डाल सकते हैं, लेकिन दही से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, उसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है दही डालने से। तो इसको हम लगातार भूनते भी जा रहे हैं और सारे सामान भी डालते जा रहे हैं। और चिकन भूनते भूनते ही गल जाता है, बहुत जल्दी घुलता है, जो एक चिकन है और एक मछली, ये दो चीज़ें हैं जो जल्दी से पक जाता है, कुक हो जाता है बहुत ही जल्दी, फ्राई करते करते दम गल जाता है। और ये हमने डाला है पेस्ट, ये हमने दालचीनी और जायफल, छोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा और छोटी इलायची, इन सभी को, छोटी इलायची, दालचीनी और जायफल है, इन तीनों चीज़ों का हम, और बादाम 6 से 7 बादाम लिया था, इन सभी को हमने सिल के पीस करके, थोड़ा सा पानी डाल के पीस करके, और इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है और इसमें हमने डाल दिया है, तो इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट फ्लेवर आता है, एकदम दावतों वाला सालन बनकर रेडी होता है। और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, और चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे, ढक्कन से बंद करके अच्छे से कुक होने देंगे, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट का खुशबू, बहुत ही बढ़िया प्यारी आ रही है, पूरा हमारा घर महक रहा है खुशबू से, इतना बढ़िया टेस्टी बन रहा है जैसे दावत का सालन हो।
ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करके ढक्कन से ढक करके इसको अच्छे से पकने देंगे, अंदर तक अच्छे से पक जाइए। तो आंच हमारा मीडियम ही रहेगा, इसे हम थोड़ी देर बाद फिर 10 मिनट तक हमने कुक होने दिया, फिर उसके बाद ढक्कन हटाकर फिर इसे मिक्स करेंगे, चलाएंगे, देखेंगे नीचे तले में चिपक तो नहीं रहा है। और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा बन गया है देखिए चिकन, और एकदम गल भी गया है। तो इसे हम थोड़ी देर और कुक होने देंगे, और अब हमारा थोड़ी देर में ही 5 मिनट और कुक होने देंगे, फिर हमारा सारा बनकर रेडी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और तो फिर यह है शाम का टाइम, हमने शाम को ब्लॉग बनाया, तो शाम को हम चाय बनाए हैं और ये पापड़ तला है। पापड़ हमने इसकी रेसिपी हमने बताई आपको, साबूदाने का पापड़ है और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है, सूखने के बाद फट जाता है, बहुत ही क्रिस्पी है ये। ओह माय गॉड, ये टूट गया, इतना क्रिस्पी है कि टूट गया। तो ये हमारा क्रिस्पी क्रिस्पी पापड़, ये शाम के टाइम चाय के साथ अच्छा लगता है। तो चाय हमने सबको दे दिया है और पापड़ भी बना के दे दे रहे हैं साथ में। तो ये है हमारा क्रिस्पी क्रिस्पी पापड़, साबूदाने का बहुत ही फायदेमंद होता है और अच्छा भी लगता है खाने में चाय के साथ। तो चलिए हम खाते हैं पापड़ पहले। ये सुबह सुबह का टाइम है, 7 बजे हैं और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और बच्चे भी रेडी हो रहे हैं फटाफट से, जिनके टिफिन हमने पैक कर दिया है, पानी का बॉटल भी रख दिया है, टिफिन पानी का बॉटल सब रख दिया। अल्लाह हाफिज़, हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ हमाद। हाँ ठंडी हवा चल रही है। तो बच्चे स्कूल चले गए, फिर उसके बाद हम आ गए क्यारी में, अम्मी बैठी थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था। और यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं तो अच्छा लगता है, सुबह के टाइम तो खुला खुला सा मौसम रहता है, अच्छा लगता है। फ्रेंड्स रात की है, रात हो गई है और बजे हैं 8, तो हमने ऐसा की नमाज भी पढ़ लिया और अब रखी है भिंडी। सोच रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम भिंडी बनाएं, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, एकदम थके हुए हैं और सारा दिन में कपड़ा धोया है और पैर में दर्द भी हो रही है, लेकिन खाना तो बनाना है तो चलते हैं भिंडी बनाएंगे। तो ये है भिंडी, इसको हम काट करके रख देंगे सुबह के लिए, नाश्ते में बना लेंगे और बच्चों के स्कूल के लिए हो जाएगा। और इसको हम मसालेदार भिंडी बनाएंगे, इसको हम धो करके इसका पानी एकदम खुश्क कर लिया है, सूख गया है, तो इसको हम बनाएंगे मसालेदार भिंडी। तो चलिए बनाते हैं। थोड़ा सा डालेंगे नमक टेस्ट के मुताबिक
और फिर पहले से नमक डाल देंगे अच्छे से इसको भूनेंगे। तो हमारा मसाला भुनने पे आ गया है, इसमें हम सालन लगाएंगे, पानी डालेंगे, पानी एक गिलास कितना डाल दिया है, इसे हम खोलने देंगे, इसको बंद कर देंगे, इसको खोलने देंगे अच्छे से। और कोई चीज बनाओ ना गिरे, ऐसा हो नहीं सकता हमारे साथ। तो फ्रेंड्स देखते हैं पानी खोल गया है सालन, तो हाँ हम स्लो कर रहे हैं और सालन है खोल गया, और इसमें हम भिंडी डाल देंगे, अच्छे से पकने देंगे ताकि अंदर तक सीज के अच्छे से पके, भिंडी के अंदर मसाला एकदम सीज जाए अंदर से। तो आज को देखिए हमने स्लो कर दिया है, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।